जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी उसको भी बंद किया, और कल एक ही दिन में हमारे प्रदेश में लगभग 1.25 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई, और यह अभियान अगले 7 दिनों तक चलने वाला है। और इन 7 दिनों में अगर हम बात करें तो 7 लाख प्लस जो है हमारे प्रदेश के लोगों को डोजेज लगने वाली है वैक्सीन की। इसमें 580 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश सरकार की बचत हो रही है, क्योंकि ये जो टीका है, ये जो वैक्सीन है, ये हमारे केंद्र की सरकार मुफ्त में प्रदेश की सरकार को मुहैया करवा रही है। और जहां तक हम बात करें, अभी तक हमने 28 लाख लोगों को लगभग जो है वैक्सीन प्रदेश में लगा दी है। भाई साहब ने कहा कि 70 लाख की प्रदेश की जनसंख्या है, 28 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और इन 7 दिनों में 7 लाख प्लस लगभग 35 लाख लोग जो है इस वैक्सीन ड्राइव में कवर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि ऐसा चमत्कार क्या आपसे पहले हुआ है कि एक छोटे से प्रदेश की आधी आबादी जो है वो इतने कम समय में वैक्सीनेटेड। ठीक है, आप चमत्कार का दावा कर रही हैं, इस पर मैं केवल सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उमेश का हम रुख करेंगे। उमेश, जो दावे यहां पर किए जा रहे हैं पायल जी की ओर से, कितनी सच्चाई उनमें आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार मौजूद रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, नेता मंत्रियों से मिलते हैं, किस तरीके की आपको स्थितियां मौके पर और ग्राउंड पर नजर आती हैं, और केवल सिंह जी जो कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? उमेश उमेश आप मेरे पास सुन पा रहे हैं? उमेश क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता संपर्क हमारा उमेश के साथ नहीं हो पा रहा। केवल सिंह जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। सर, पायल जी दावा कर रहे हैं कि जो विकास हिमाचल में हिमाचल की सरकार ने किया है या फिर केंद्र सरकार के कोलैबोरेशन से किया गया है, वो एक जादुई विकास है। आप कैसे उस पर सवाल उठा रहे हैं केवल सिंह जी? मैं कहता हूँ स्वागत कर रहा हूँ, बहन पायल जी ने कहा हिमाचल प्रदेश में जादुई विकास है। सबसे पहले तो मैं श्वेत पत्र चाहता हूँ कि जो पैकेज का जो हमारे जो है पर्यटन या दूसरे लोग जो हमारा काम काज करते हैं, कितना पैसा उनके घरों तक, क्या उनके बिल माफ किए? जादू ऐसा चाहता हूँ कि 80 करोड़, मेरी बहन ने कहा 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन मिल रहा है, उसका भी श्वेत पत्र जारी करें। भाई मेरे ये तो डिपू चलते थे मेरे भाई जी, वो भी आज तेल राशन महंगाई, मैं कहता हूँ 220 रुपए का तेल जो है हिमाचल प्रदेश में, अगर ऐसा जादू चलता रहा, 100 रुपया पटाओ, इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है उससे 6 गुना या 7 गुना जो है वो वर्तमान आज आप देखते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। अभी अभी अभी, अभी हम बात करते हैं ना संक्रमण पे, आज बात करते हैं सर, क्योंकि ये महामारी बहुत बड़ी है और चिंता की विषय है, चिंता का विषय है। और सर मैं एक एक बात भी आपसे जानना चाहूंगा केवल सिंह जी, क्योंकि ये सबके सहयोग की जरूरत इस महामारी में, इस पैंडमिक के दौर में है, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी सर बनती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें। तो क्या कुछ विपक्ष की ओर से, विपक्ष होने के नाते आपकी पार्टी की ओर से, आपके कार्यकर्ताओं की ओर से सहयोग किया गया है? कम से कम सहयोग के तौर पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी कैंपेन करें, अभियान चलाएं लोगों को जागरूकता के लिए, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर, क्या इस तरीके की चीजें आपकी पार्टी भी कर रही है? सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई जब कोरोना महामारी बन आई, अग्निहोत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, यही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया। जहां तक बहन पायल ने कहा, अगर इनको हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव गांव सेवा है संगठन, तो कोरोना के बाद जब खत्म हो गया उसके बाद चला, और ये जो अभियान है अभी कहते हैं ऑक्सीमीटर, ये जो सारा मामला, जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, 21 जून से कार्यक्रम चला है वैक्सीनेशन के लिए हम वर्तमान सरकार को, क्योंकि पहले पहले लोगों को, मैं कहता हूँ गाँव के लोगों को, मैं कहता हूँ जहाँ इंटरनेट नहीं है, लेकिन अब जो वर्तमान सरकार ने फैसला लिया है कि ऑन द स्पॉट जो है उसका हम स्वागत, वो कदम जो है स्वागत योग्य है। और तीन चार दिनों से वैक्सीनेशन, अच्छी वैक्सीनेशन हो रही है, क्योंकि वैक्सीन लगेगी तभी तीसरी महामारी से थोड़ा बचा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये हम, आपने पर्यटन और ये कोरोना की तीसरी लहर पे चर्चा की, हमें चाहते हैं कि तीसरी लहर पे वर्तमान सरकार जो है, जो टास्क फोर्स मैं कहता हूँ, खासकर मंडी, आपका टांडा, आपका आईजीएमसी, आपके जितने मेडिकल कॉलेज है वेल इक्विप्ड हो, जिससे आने वाले टाइम में, और जहां तक समाज की बात है, चाहे वो मास्क हो हमारे कार्यकर्ताओं में, प्रदेश भर में जो है, चाहे जब जब जरूरत पड़ी गांव के अंदर सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ी, मास्क की, सैनिटाइजर की, ऑक्सीमीटर की, हमारे बाली जी को हमारी सोनिया गांधी जी ने कन्वीनर बनाया, उन्होंने डट के जो है वो ठीक है।
पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो कोरोना को ठीक है ठीक है। पायल जी जवाब देना चाह रही है सर, समय भी कम है, एक बार पायल जी का जवाब हो जाए। ठीक है पायल जी जवाब दीजिए। मैम सारा काम अगर विपक्ष कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है फिर? ठीक है पायल जी, हम ये चाहते हैं केवल जी सर जवाब ले लेते हैं। केवल सिंह जी जवाब ले लेते हैं पायल जी का। पायल जी बोलिए सर, बोलिए मैम। अगर सारा काम विपक्ष कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है पर्यटकों को? विपक्ष साइकिल रैलियां निकाल रहा है और पर्यटकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि आप जो है वो कोविड से बच के रहें। जहां तक मैं देखती हूं तो मुझे तो केवल इतने ही प्रयास विपक्ष के नजर आते हैं। और रही बात टूरिज्म को लेकर के, तो हम लोग जगह जगह अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम टास्क फोर्स जो है वो उनको जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम उन्हें तैनात करें और जो हमारे प्रदेश में पर्यटक आ रहा है उन्हें पर हम सचेत करें कि उन्हें किस तरह कोविड से बचने के लिए उनके नियमों का पालन भी करना है, अपने आप भी रहना है और दूसरों को भी बचाना है। ठीक है ठीक है। एक आखिरी सवाल उमेश के साथ। उमेश, जो वादे और दावे यहां पर किए जा रहे हैं सरकार की ओर से और जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, कितने सच्चाई आपको नजर आ रही है? ग्राउंड पर स्थिति क्या है उमेश, बहुत जल्दी संक्षेप में। अब देखिए बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां कोविड संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए और सरकार ने बहुत अच्छे से काम भी किया है। जिस तरह से मैनेजमेंट का, खासकर पहाड़ में मैनेजमेंट करना मुश्किल था क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले फेज से ये चीजें जान चुका था कि अगर दूसरा फेज आता है दूसरे फेज की तैयारियां कर ली गई थी। हॉस्पिटलों में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया, सब जगह जो 100 बिस्तर वाले अस्पताल है वहां आपके ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं, तो तमाम ऐसी तैयारियां सरकार ने समय रहते की है कि अब आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है लगभग 1.5% के आसपास रह गया और रोज का वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल गया। लेकिन जिस तरह से अब सारी चीजें खोल दी गई है, व्यवस्था खोल दी गई है, बाजार खोल दिए गए हैं, दफ्तर खोल दिए गए हैं, सैलानियों को आने की छूट दी गई है, शादी ब्याह और सार्वजनिक कार्यक्रम भी हो पाएंगे, मंदिर भी खोल दिए, वो जरूर एक बड़ी चुनौती सरकार प्रशासन पुलिस के लिए रहने वाले हैं कि सब में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे कराया जाए। क्योंकि हमने देखा कि जैसे चुनाव हुए थे उसके बाद शादियों में बहुत सारे मामले कोविड पॉजिटिव क्या है, तो अब सरकार को पिछले अनुभवों से जरूर आगे ये ध्यान रखना है कि संक्रमण के मामले यहाँ से आगे ना बढ़े। ठीक है, चुनौती बढ़ी है इसलिए हमें और ज्यादा सावधानी की जरूरत है, चाहे शासन स्तर पर हो, प्रशासन स्तर पर हो, चाहे आम जनता की भागीदारी इसमें हो। बहुत शुक्रिया उमेश आपका जानकारी के लिए। केवल सिंह पठानिया जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। पायल विद्या जी आपका बहुत शुक्रिया मैम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो थर्ड वेव ना आए या फिर उसको कमजोर किया जा सके इसको लेकर वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन सावधानी सबसे पहले है, प्राथमिकता से लें। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया।